भाई अभी के टाइम पे बरुटो अलग ही लीग पे चल रहा है। इसके हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से बहुत ज्यादा बेटर होते जा रहे हैं। मतलब पिछले चैप्टर में एक पीक देखने को मिलता है तो नेक्स्ट चैप्टर में उससे भी ज्यादा डबल पीक देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा मजा आता है ये सब देख के कि बरुटो से हमें ये सब देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ही बरुटो के चैप्टर 15 के स्पॉइलर आ चुके हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में देखने वाला है फ्लैशबैक, जिसमें पता चल रहा है सेकी कैसे सेंजू बना। और भाई तुम इसे देख के लिटरली सैल्यूट करोगे इस बंदे को, तुम्हारे लिए इस बंदे के लिए एक रिस्पेक्ट बन जाएगा। और इसी के साथ ही कावाकी और बरुटो एक साथ हो चुके हैं और ये दोनों लड़ नहीं रहे, दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं और हाथ मिला लिया इन दोनों ने और दोनों के दोनों लड़ने वाले हैं सेंजू सबसे। तो भाई ये चैप्टर लिटरली बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लैशबैक के साथ, जिसमें हमें गारा और मात्सुरी देखने को मिलता है। दोनों के बीच में फाइट हो रहा है और गारा ने जितने सारे यंगस्टर है जैसे सेकी इन सबको सील कर दिया जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके। और जो गारा हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे वो भाई ब्लीड कर रहा है, उसे काफी ज्यादा चोट लगा है। बुरा लगता है अपने फेवरेट कैरेक्टर को इस हालत में देखने में, पर भाई क्या कर सकते हैं। जिसमें मात्सुरी बोलती है तू अपनी फिगर कर भाई, तू किसी और की फिगर क्यों कर रहा है यहाँ पर। जिसमें गारा बोलता है मैं इन यंगस्टर को कुछ भी नहीं होने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। जिसके बाद मात्सुरी रिप्लाई करती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी इन सबको नहीं मारने वाली हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिला गारा जो पुश करता है जो सैंड बॉल है जिसके अंदर सेकी को सील कर रखा है, उसको वो पुश करता है दूर करने की कोशिश करता है मात्सुरी से और सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए। लेकिन सेकी वहां से एस्केप कर जाता है और वो बंदा गारा को ही सील कर देता है और बोलता है गारा को इस विलेज को मेरी नहीं आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ये जो क्लॉक है वो अटैक कर देता है सेकी पर और वो बंदा ट्री में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पर उसी बीच वो अपने जितने सारे फ्रेंड है बोल देता है कि वो विलेज जाए कानकुरू को ये सारी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दे। और इसी के साथ सेकी पूरी तरीके से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। पर तुम बोलोगे भाई अगर ट्री में कन्वर्ट हो गया तो जो गारा का शील्ड है वो टूट जाएगा, पर भाई यहीं पे एक ट्विस्ट आ गया। जो सेकी अपने पावर को उसने लिटरली बनाए रखा है और जो सील है उसका टूटा ही नहीं है। जिसपे मात्सुरी बोलती है कि ये सील तभी टूटेगा जब सेकी मरेगा, इतना स्ट्रॉन्ग है ये सील। और सेकी ने लिटरली मतलब ट्री में कन्वर्ट होने के बाद भी उसने गारा को एकदम प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया उस बंदे ने। तो भाई लिटरली इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट तो बनता ही बनता है। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जिसमें कांकरू एक्सप्लेन करता है सारी सिचुएशन के बारे में शिकामारू को और बताता है कि जो गारा है वो कैसे जिंदा है अभी के टाइम पर थैंक्स टू सेकी टेक्निक। और उसके बाद बताता है कि वो सील को फिर भी तोड़ नहीं सकते अगर सेकी ने अपना टेक्निक को अंडू नहीं करा तो। उसके बाद हमें देखने मिलता है रियू जो आयरन सैंड को यूज कर सकता है अपने क्लॉक वाले कपड़े के हेल्प से। और रियू नोटिस करता है कि कोड उस पे नजर रख रहा है और वो कोड को अपने क्यू वाले पावर से अपने पास लेके आ जाता है। और ये सीन लिटरली यार काफी ज्यादा मस्त है। तुम देख रहे हो भाई एक टाइम पे कोड को क्या कहा जाता था, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसकी पावर लिमिटेड में फंसी पड़ी है और इस बंदे को लिटरली यार रियू ने किस तरीके से पकड़ रखा है तुम्हें देखने को मिल रहा है। भाई इसकी कोई इज्जत है कि नहीं है, मतलब कोई आके इसको पेल रहा है। जब टाइम स्किप के बाद आया है तो भाई लिटरली इसको पेल दिया है और यहाँ पे इसको इज्जत नहीं मिल रही है। मतलब भाई कोड को कुछ दो यार, मतलब इतनी बेइज्जती सच में यार मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही है कि कोड को इतने बुरी तरीके से बेइज्जती किया जा रहा है। एक टाइम पे लिटरली यार कोड को काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था और ऐसा नहीं कोड अभी के टाइम पे ऐसा है तो भाई आगे भी ऐसा ही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोड आगे जाके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनेगा। अभी के टाइम पे सारी से फुसू फुसू तो दिखा रहे हैं, पर कुछ टाइम या बहुत कुछ टाइम बाद हमें कोड अलग लेवल का देखने को मिलेगा और अभी भी इसके पूरी तरीके से पावर अनलॉक नहीं हुए। तो एक रीजन ये भी है कि अभी के टाइम पे कोड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हमें बातचीत देखने को मिलता है सेंजू और कोड के बीच में, जिसमें कोड सबसे ज्यादा जोरा से बात करता है। उसका फुल ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आया तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, जब प्रॉपर तरीके से चैप्टर आएगा तो मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उसे। तो टेंशन मत लो यार, लेकिन यार ये वीडियो छोड़ के मत जाओ। तो आगे देखने को मिलता है कोड अपने कारवा से अटैक करने वाला होता है जोरा को, पर भाई जोरा उसका हाथ ही काट देता है। मतलब यार बंदे की 1% भी इज्जत नहीं है यहाँ पर, नहीं है और खासकर इस वाले इलाके में तो बिल्कुल भी की नहीं जा रही है। और बिल्कुल ये सब देख के ऑफकोर्स तुम इसे फ्रॉड बोलोगे, अब मैं भी बोलूंगा। लेकिन यार वेट का फल मीठा होता है जब इसका फुल पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा, मे भी शायद ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए इस बंदे की बेइज्जती फुल ऑन होने वाली है हमेशा के लिए। और उसके बाद तुम्हें लगेगा कोड फाइट बैक करेगा, बट ना भाई ये बंदा फाइट बैक करने के मूड में ही नहीं है। मतलब भाई ये बंदा यहाँ से स्केप कर जाता है अपने क्लो मास्क को यूज करके। मतलब यार अटैक तुम करने वाले थे और उसके बाद तुम लड़ाई भी नहीं कर रहे हो, मतलब क्या यार ये कोड क्या करना चाहता है समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हम बरुटो काबा की देखने मिलता है, तुम्हें लगा कि ये दोनों लड़ेंगे, ना भाई ये दोनों लड़ नहीं रहे, ये दोनों बातचीत करने वाले हैं। फाइनल हमें एक शांतिपूर्वक इंद्र की बातचीत देखने को मिल रहा है। ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि स्पॉइलर है तो उतना कुछ हमें नहीं पता है, लेकिन जितना ज्यादा पता चल रहा है मैं वो सारी चीज तुम्हें बताने वाला हूँ। जिसमें बरुटो काबा की बोलता है तुम जो भी सोचो पर तुम अभी के टाइम पे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तुम मेरे डैड की डिसिप्लिन पे रहना चाहते हो और तुम मेरे डैड को सील से आजाद करने वाले हो ना, आइडेंटली तुम ट्रेनिंग करते हो तो ये हो सकता है, पर ये अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी के टाइम ही नहीं है। कावा की जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये कंक्लूजन है जिसमें तुम खुद पे खुद पहुंच जाओगे। इफ द आउटकम विल बी द सेम इट्स बेस्ट टू डू स्विफ्टली, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू। इस पे कावा की बोलता है वेट तुम कहना क्या चाहते हो। और इस सारी बातों से बोर्ड तो यही
यही बोलना चाह रहा है कावे की, क्योंकि तुम्हें अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि अभी के टाइम पे तुम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तुम देखो तो जो ब्रूट है वो इतने सालों में लिटरली अपने आप को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और वहीं पे तुम कावे की देखो तो कावे की लिटरली अभी के टाइम पे बहुत ही वीक है। ब्रूट लिटरली अगर एक हाथ से भी लड़े ना तो भाई उसे हरा सकता है, इतना ज्यादा वो वीक है अभी के टाइम पे। जैसे कि तुम्हें पता है जब फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था उसमें कावे की और ब्रूट का फाइट देखने को था, और उस टाइम के जो कावे की था वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, उसके जो पावर थे काफी ज्यादा अलग लेवल के देखने को मिल रहे थे, मतलब जो उसके हैंड जो उसका कार्मा था वो अलग लेवल का मैं देखने को मिल रहा था। लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है जो कावे की का जो पावर है उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जो अमाडा है उसने लिटरली कुछ तो लगा रखा होगा कावे की के अंदर जिसकी वजह से वो अपने पावर को अच्छे तरीके से अनलॉक नहीं कर पा रहा है। तुम देखो तो यार दोनों के पास कार्मा है, लेकिन बोर्ड तो काफी ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुका है, लेकिन कावे की अपने आप को नहीं बना पाया। जैसे लगता है कि जो उसकी ग्रोथ है उसको एक किसी चीज पे स्टॉप कर रखा है, और ये काम सिर्फ अमाडा ही कर सकता है, क्योंकि अमाडा लिटरली कोर्ट के जो चेहरे पे जो उसने बनाया है उसकी वजह से जो कोर्ट का जो फुल पोटेंशियल है वो रुका पड़ा है। तो भाई वो बंदा कावे की पे वो ऐसा कांड क्यों ना करे, जो कंक्लूजन बोर्ड ने देखा है जो फ्यूचर में, या काफी सारे उसने फ्यूचर देखे हैं जिसमें उसमें शायद अगर कावे की स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है तो वही जो फ्यूचर है वो खराब होने वाला है, जो बोर्डो बता रहा है अपनी बातों से। और इस चैप्टर के एंड में हमें देखने मिलता है जो अमाडो है वो कावे की और बोर्डो पे दोनों पे नजर रख रहा है। इसी के साथ ही जो वीडियो है वो खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।